हो रही लगातार बारिश से गंगा और उसकी सहायक नदियां उफान पर बनी हुई हैं। इससे जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं अमरोहा में गंगा में बाढ़ आने के चलते टापू पर गोवंश फंस गए हैं। जहां टापू पर फंसे से छह लेकर आए गोवंशों गंगा जी की से बहुत ग्रामीणों दूर ने दराज से, जान पता नहीं बचाई। कहाँ से ग्रामीणों ने ये बोट के नदी सहारे में लटक गोवंश आए का हैं। रेस्क्यू किया है। ये बहुत इस मेहनत दौरान करके आए ग्रामीणों हैं ने गोवंश के रेस्क्यू का वीडियो भी बनाया। गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहाँ ग्रामीणों ने गोवंशों को बाहर निकाला। ये गोवंश पानी में फंस गए थे। लगातार हो रही बारिश की वजह से इस गांव में पानी भर गया है और ऐसे में यहाँ जो जानवर थे, गोवंश थे, वो फंसे हुए थे, जिन्हें बोट के जरिए बाहर निकाला गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना का पानी अब लौनी एरिया में घुसने लगा है। गाजियाबाद के टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुस्ता रोड टूट गई है। पुस्ता रोड टूटने से यमुना नदी का पानी टोनिका सिटी एरिया में भरना शुरू हो गया है, जिसको लेकर लोग दहशत में बने हुए हैं। पुस्ते का कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल सिंचाई विभाग और तहसील स्तर के अधिकारी पुस्ते की बारीकी से जाँच कर रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, जहाँ टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पूरी तरह से जलभराव देखने को मिल रहा है और यहाँ जो जितने भी घर हैं उनमें पानी घुसता हुआ नजर आया। लौनी पर भी बाढ़ का खतरा बढ़ाने लगा है। टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुस्ता रोड टूट गया है, जिसकी वजह से अब पानी घरों में घुसना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लौनी की तस्वीरें, जहाँ देखिए किस तरह से घरों में पानी भरता हुआ नजर आया। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि टोनिका सिटी थाना क्षेत्र में जो रोड थी पुस्ता, वो टूट गई है और उसके बाद पानी सीधा घरों में घुस रहा है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। प्रवीण, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से रोड के टूटने से घरों में अब पानी घुसने लगा है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? छोड़ा जा रहा है लगातार, कहीं ना कहीं निचला इलाका जो है, जो गांव क्षेत्र है जैसे कि लोनी है, अन्य जैसे जो क्षेत्र है, वहां पर जलभराव की स्थिति बहुत ही भयानक हो गई है। क्योंकि लगातार जो घर है उनके घरों के अंदर पानी घुसा जा रहा है। क्योंकि हथनी कुंड से पानी छोड़ने का मतलब है कि कई कई लीटर पानी, यानी कह सकते हैं कि कई हजारों की संख्या लीटर पानी में लगातार जो है लोनी की तरफ जो पानी है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि एक बांध बनाया गया था, जब वो बांध टूटा है उसके बाद लगातार घरों के अंदर पानी और लोगों की जो फसलें हैं वो तक खराब हो गई हैं। कहीं ना कहीं आने वाले जो बारिश का समय है, क्योंकि देखिए बारिश फिलहाल इस समय बंद पड़ी है, अगर बारिश होती है तो और भी भयानक स्थिति हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस समय काफी मुस्तैद है, वहां पर सभी तरह की जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन कहने की बात है कि जैसे दिल्ली जिस तरह से डूबती जा रही है, वहीं कहीं ना कहीं अब गाजियाबाद का लोनी का जो क्षेत्र है वो भी यमुना नदी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, जिससे कि लगातार वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, वहां से निकलने के लिए बेचारे परेशान है। कहीं ना कहीं अब जो है एनडीआरएफ की टीम से लेकर जितने भी जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी वहां पर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं, कहीं ना लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो इससे और भी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल प्रवीण, हम देख पा रहे हैं कि पानी किस तरह से वहाँ घरों में घुस गया है। कब से पानी घरों में घुसना शुरू हुआ और कब तक जो है स्थिति बेहतर होने के आसार वहाँ देखने को मिल रहे हैं प्रवीण? देखिए पूनम, मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से हथनी कुंड से जो बैराज से पानी छोड़ा गया है, जिससे कि निचले जो इलाके हैं खासतौर पर वहां पर जलभराव की स्थिति ज्यादा गंभीर हो गई है। लेकिन अगर बारिश होती है, यानी कि अगर बारिश होती है तो ये स्थिति और भी भयानक हो सकती है, क्योंकि लगातार लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोग परेशान है, लोग पलायन करने को मजबूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वहां के जो लोकल जो सहायता करने वाले लोग हैं वो लोग भी लगे पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो आशियाना है वो उजड़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि लोगों के घरों में और में फसलों में पानी घुस चुका है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन अब जो जो बारिश है, यानी बारिश लगातार मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि बारिश होने की आशंका है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी मुसीबत टली नहीं है लोगों के ऊपर से। बिल्कुल प्रवीण, मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश हो सकती है, इससे और ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। कितनी संख्या में यहाँ घर बने हुए हैं जिनमें पानी घुसा है? देखिए ये अलीपुर जो गांव पड़ता है ये काफी बसावट भरा गांव है, क्योंकि वहां भी जब पानी घुसा है, क्योंकि एक बांध बनाया गया था, उस बांध को बनाने के बाद जिस तरह से जो फ्लो था, जो पानी का फ्लो था वो तोड़ते हुए आगे निकलता गया पानी और लगातार वो अपनी जगह बनाता गया। जहां उसको जगह मिली वहां वो पानी घुसता गया, लोगों के घरों से लेकर लोगों के खेती बाड़ी वो तक नुकसान हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी आफत की खबर ये आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेता दिया है कि भारी बारिश होने की भी अभी आशंका बनी हुई है। लेकिन अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं और तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं बिल्कुल प्रवीण, जैसा कि आपने कहा कि एनडीआरएफ टीम यहाँ रेस्क्यू करने में लगी हुई है, तो कहाँ लोगों को ले जाया जा रहा है, कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है लोगों को?
देखिए शेल्टर हाउस बनाए गए हैं, गांव से हटकर जो सूखा एरिया है वहां पर शेल्टर हाउस बनाए गए हैं लोगों के लिए, और खाना पीने की व्यवस्थाएं की गई है। कहीं ना कहीं जो मेडिकल टीम है उसको वहां पर चाक चौबंद किया गया है, मेडिकल टीम भी लगातार लोगों को जो परेशान है जिनके चोटें लगी हैं या जिनको कह सकते हैं क्योंकि गंदा पानी है जिससे कि लोगों को बीमारियां भी फैल रही है, तो उसको लेकर काफी अलग जारी किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।